कोरोना कर्फ्यू में होम आइसोलेट मरीजों की सुविधा के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से शुरू की गई एम्बुलेंस टैक्सियों की कंट्रोल रूम से 24 घंटे में किसी भी समय लोकेशन चेक की जा सकती है। इसके लिए इन सभी टैक्सियों को ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS से लैस किया जा रहा है, जिसके लिए एक संस्था ने फ्री ऑफ कॉस्ट GPS सिस्टम स्थापित करने की हामी भरी। बिलासपुर के उपायुक्त रोहित जम्बाल ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि कोरोना काल में होम आइसोलेट मरीजों के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैनात की गई 8 एम्बुलेंस टैक्सियों, करीब 5 एम्बुलेंस सहित 2 सब वाहनों को GPS युक्त किया जाएगा। एम्बुलेंस टैक्सियों सहित एक दर्जन से अधिक ऐसी गाड़ियों में GPS सिस्टम लगाया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं और एक निजी संस्था को कार्य सौंपा गया है। खास बात यह है कि उक्त संस्था ने इस कार्य को निशुल्क करने को लेकर हामी भरी है। उन्होंने बताया कि 108 एम्बुलेंस में GPS लोकेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिससे उनका पता चलता है और वह किस समय, कब और कहां उपलब्ध है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये जनता को अवगत कराना चाहूँगा कि प्रशासन जो है, जो भी कोविड मरीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल में आ रहे हैं, उनके किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ऑक्सीजन की कमी आड़े ना आए, इसके लिए जो है शुरू से ही हम प्रयासरत रहे। इस वक्त हमारी 185 जो हैं बेड्स जो हैं वो हाई फ्लो ऑक्सीजन युक्त हैं और लगभग 200 हमारे पास डी टाइप हाई फ्लो ऑक्सीजन युक्त जो हैं सिलेंडर भी हैं, पर इसमें हमने आज 60 सिलेंडर जो हैं इसमें और इजाफा किया है। 30 हमें प्रदेश सरकार की तरफ से जो हैं मुहैया कराए गए हैं और 30 जो हैं हमने यहाँ पे ACC सीमेंट प्लांट जो है उनसे अनुरोध किया था, तो अब ये टोटल संख्या 260 हो गई है, जो कि उपचाराधीन मरीजों की तुलना में कहीं ज़्यादा है और अब हम और कंफर्टेबल स्थिति में जो है इस के लिए आ गए हैं। इसके साथ ही मैं एक और जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। हमारी जो हैं 108 एम्बुलेंस जितनी भी हैं उन पे तो GPS लोकेशन सिस्टम लगा ही हुआ है, तो उससे पता चलता रहता है कि वो कहाँ पर हैं। पर इसके अतिरिक्त कुछ हमने 8 जो हैं एम्बुलेंस टैक्सीज लगाई थी, 2 पर जो हैं सब डिवीजन पर, तो उनकी और इसके अलावा हमारी 2 डेड वैन हैं और कुछ 5-1 और एम्बुलेंस हैं, तो टोटल ये विभिन्न प्रकार की गाड़ियां मिला के 14-15 गाड़ियां हो जाती हैं। तो इन पे भी हम GPS सिस्टम जो है लगा रही हैं ताकि हम रियल टाइम इनकी ट्रैकिंग कर सकें और पता रहे कि कौन सी एम्बुलेंस कहां पर इस वक्त उपस्थित है और नियरेस्ट कौन सी है, ताकि जो कई बार डिले होता है कि मरीजों को समय पे जो है गंतव्य तक नहीं पहुँचाया जा सकता है, तो उसमें हम जो हैं उस टाइम को करने में सफल रहें। ये हमारा जो है, तो अभी 1-2 दिन के अंदर ही हमने बात कर ली है और एक संस्था है जो इसको शायद फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने के लिए भी तैयार है और हम उनके आभारी हैं। तो 2-1 दिन के अंदर ये व्यवस्था भी जो है शुरू हो जाएगी। नमस्कार।